जो पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, मिलनसार हैं, आपकी सेवा में मिलते हर समय तैयार हैं, जिनका चुनाव लड़ने का मकसद कोई राजनीति करना नहीं बल्कि आपके सच्चा वाक्य न्यूज को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हर खबर मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह दर्द SV न्यूज इंडिया। आज हम पहुंचे हैं प्रजा चौक पर, जहां कांग्रेस प्रत्याशी राम निवास राणा एक भारी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जिसमें पंजाबी समाज व छत्तीस बरादरी प्रजा चौक के आस पास के दुकानदारों ने राम निवास राणा को समर्थन दिया और राम निवास राणा ने उन्हें विश्वास दिलवाया कि अगर वो उन्हें विधानसभा चुनाव में जिताते हैं तो वह उनकी सेवा में हर समय उपस्थित रहेंगे। आओ सुनाते हैं जनता को संबोधित करते हुए राम निवास राणा ने क्या कहा। चेयरमैन रहे प्यारेलाल राणा जी, हमारे अभिचंद सैनी जी और हमारे मंच पर बैठे मास्टर राजेंद्र सिंह जी, सभी कोई नाम रह जाए तो भाई क्षमा करना, माफ करना, मैं तो भाई ऐसा ही हूँ बोलने में, सभी साथियों से क्षमा मांगता हूँ और मैं ये कहूँगा भाई, पर बातें तो सारी आपने हमारे जो सीनियर डिप्टी मेयर है दयानंद सैनी इधर ने बड़े भाई हरलाल राणा जो चेयरमैन है वो आपके सामने रखी थी, मैं तो इतना ही कहूँगा वे आपको 5 साल जो विधायक आपने बरते हैं आपको कैसा लगा वो आपने देखना है। वो 5 साल में किसी के साथ भी कोई काम में हाथ बटाने का काम नहीं किया उसने। वो जो शुरू में ये बात कहता था पिछले 2014 में, मैं हर वार्ड में एक दिन हर वार्ड में जाऊंगा, 1 तारीख को 1 वार्ड में जाऊंगा, 2 तारीख को 2 वार्ड में जाऊंगा, इस तरह उस टाइम 30 वार्ड थे, 30 बनने में 30 वार्ड में जाऊंगा। तो ऐसा एक वार्ड में भी ऐसा नहीं किया कि कहीं गया हो। उसने घर बैठ करके कमरे की एसी में बैठ करके जो है अखबारों के माध्यम से जो काम किया है सिर्फ भाषण घोषणा ही की है। तो साथियों आपको ये बात देखना है भी आपका बीच का आदमी कौन होना चाहिए, आपका विधायक कौन होना चाहिए जो आपके दुख सुख में काम आने वाला हो। आपको यह 5 साल के लिए जिस आदमी को एक पुलिस भी बात ना मानता हो, जिस विधायक के ऐसे विधायक को वोट देने का क्या फायदा जो जनता के काम ही ना आ सके। तो मैं साथियों ज्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहूंगा, आने वाली जो है 21 तारीख को आपके सामने वाला बटन दबाकर मैं आपका मिलदारू भाई हूँ, बेटा हूँ, मेरे को आपके निशान के बटन दबाकर मुझे विजय बनाए, मैं आपसे इतना ही वादा करता हूँ कि आपके हर दुख सुख में साथी बनकर रहूँगा। कि मैं एक निचला लेवल का आदमी हूँ, मैं कोई बड़ा कोई MLA या MP या कोई मुख्यमंत्री का बेटा नहीं, जो कि मैं ऊंचा लेवल का आदमी हूँ, मैं एक धरती से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं आपके बीच में हर समय हर तरह का काम कराने का प्रयास करूँगा और आपने मुझे यहाँ बुलाकर जो मान सम्मान दिया मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करते हुए बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जो आने वाली 13 तारीख है, इस 13 तारीख को शाम को 4 बजे कटड़ा रामलीला में हमारे कांग्रेस के आदरणीय बड़े बड़े नेता कटड़ा रामलीला में 4 बजे पधार रहे हैं। तो आपसे अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचकर हमारे नेताओं के विचार सुने, उनका मान सम्मान बढ़ाए और जनता से यह भी अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जितने भी हो सके, आपके तो मार्केट के बिल्कुल ही नजदीक है, उसमें बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, बस मैं इतना ही कहूंगा और आपका भार व्यक्त करते हुए आपका बहुत बहुत जो आपने यहाँ बुलाकर मुझे मान सम्मान दिया बहुत बहुत धन्यवाद।